वर्ड्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले जी आपको वर्ड है ये वाला, हमने कहा हुआ है ही के लिए भी होता है, शी के लिए भी होता है, इट के लिए भी होता है, बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट से ही के लिए कौन से वाला था है, शी के लिए कौन से वाला था है, इट के लिए कौन से वाला था है। ये आपको करेक्टर को गौर से देखना होगा। मैंने हमेशा आपको बताया कि ये वाला जो रेडिकल आता है ना, ये फीमेल के लिए आता है। रिमेम्बर मैंने जब मामा बताया था तब भी आ रहा था, चीए जे बताया था, मे, जब मैंने ये सारे फीमेल के लग लाओ भो आपके ये जो शीफर, फिर फुफो बताया था मैंने, कुमा ठीक है, ईमा खाला, सब में ये वाला रेडिकल आ रहा था। रिमेम्बर ये रेडिकल किसके लिए होता है, ये फीमेल को इंडिकेट करता है। इट मीन्स अगर ये वाला रेडिकल आ गया ठीक है, कौन से वाला रेडिकल भला, ये वाला रेडिकल ठीक है, इट मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विद फीमेल। तो अगर ये वाला रेडिकल है तो ये वाला था इसके लिए होगा, शी के लिए होगा, ना ही के लिए ना इट के लिए, दिस इज फॉर शी या फिर हर के लिए। ओके तो रिमेम्बर ये वाला रेडिकल जब आ जाए तो दैट मीन दैट था इज फॉर शी या हर। ओके ये जो करेक्टर है इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है, एक है शॉय राइजिंग टोन, एक है शाय राइजिंग टोन। तो दोनों का मतलब हु का होता है, हु ठीक है, हु अभी हमने वर्ड पढ़ा था ना, अभी हु आ गया ठीक है, इट मीन्स हु, इट मीन्स हु, मैं ब्रैकेट में लिख दूँ आगे। ओके हु, अच्छा द, अब द आ गया, द इज द पोजेशन पार्टिकल, तो पोजेस लाइक आप पोजेस हो किसी, तो सारे तो आप मोबाइल के बारे में कहते हो कि मेरे मोबाइल है, मेरा, एक होता है ना वो मींस मैं, एक होता है वादा मींस मेरा ठीक है। तो मेरा कहने के लिए मेरी किताब ठीक है, तो यू यू यूज दिस वर्ड द, किसके बाद सब्जेक्ट के बाद, लाइक वादा ठीक है, माय वादा भांगियो, माय फ्रेंड वादा लाक्षर, माय टीचर ओके मेरा उस्ताद, सही है। तो आप जब पोजेस कर रहे हो ना किसी चीज को, मेरा मोबाइल, लेकिन आप अपनी पोजेशन शो कर रहे हो ठीक है, देन यू कैन यूज दिस वर्ड द। ओके द से पहले भी सब्जेक्ट होता है, बाद में भी सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट का मतलब ये नाउन होता है, सब्जेक्ट कह रहा हूँ सॉरी, नाउन, नाउन द से पहले भी नाउन होता है, द के बाद भी नाउन होता है ठीक है। तो पोजेशन पार्टी में मैं इसकी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, लेकिन सम केसेस में ये होता है कि आपको पोजेशन शो करने की जरूरत ही नहीं होती, इट इज योर, मतलब मिसाल के तौर पर आप अपनी मदर को कह रहे हो वदा मामा, आप वदा मामा बोलोगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको वदा मामा द नहीं कहने की जरूरत है, वजह ये वो ऑलरेडी योर्स है, वो आपकी ही है, इसलिए आप पापा आपके ही हैं ठीक है। आपको वदा पापा कहने की जरूरत नहीं, वो पापा कह दो सिंपल, द लगाने की जरूरत नहीं। द वहां पे आता है जहाँ पे आपने पोजेशन शो करानी हो, लेकिन आपको किसी किस्म का प्रूफ ना हो, आप सिर्फ पोजेशन द से शो करते हो कि यार मेरा मेरी ठीक है, तो द वहां पे आता है। जो आपके क्लोज फैमिली रिलेटिव मेंबर्स हैं जैसे मामा हो गए, पापा हो गए, उनमें द लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो वो पापा वो मामा ठीक है, तो द वहां पे आएगा जिस तरह जहाँ पे आपने पोजेशन शो करनी है, मीन्स आप समझ हो गया आई थिंक। इसे पढ़ते हैं खान, ये कहते हैं लैंग्वेज को, खान कहते हैं, खान इज द बेसिकली चाइना में ना, चाइना में देर आर 56 टाइप्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा ग्रुप जो है ना दैट इज फॉर हान पीपल, हान पीपल का ग्रुप है जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है। हाँ ये मीन उनका जो बड़ा ग्रुप है ना, लार्जेस्ट ग्रुप, बिगर ग्रुप, उन उनकी बोलने लाइक उनके लोगों की बोलने की जुबान, तो दैट इज हाँ ये चाइनीज लैंग्वेज ठीक है। ओके अच्छा चाइनीज लैंग्वेज के लिए एक और वर्ड भी है, वो कौन सा वर्ड है, वो है ये वर्ड ठीक है, ये चाइनीज का ही मतलब है, चोंग वन का मतलब भी चाइनीज ही होता है, लेकिन चोंग गोवा अभी हमने पढ़ा है, मिडल मिडल चोंग चोंग गोवा, रिमेम्बर हमने भी पढ़ा है चोंग गोवा, तो ये वही वाला चोंग है, मिडल चोंग वन, चोंग लिखना है मिडल। अच्छा मैंने अभी आपको बताया यू का मतलब होता है लैंग्वेज ठीक है, लेकिन वन का मतलब भी लैंग्वेज होता है ठीक है, अगर मैं वन लिख रहा हूँ चोंग वन, वन का मतलब भी लैंग्वेज है, लेकिन ये जो लैंग्वेज होती है ना वन वाली, ये लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है वन, मतलब ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स बोलने वाली जो होती है, मतलब आपकी बोलने वाली जो है, एनीवे ये इंटरचेंज कर सकते हो आप, तो चोंग वन बोलना थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने भी जब स्टार्ट में यूज टेनिस सीखी थी, मैं पहले चोंग वन बोलता था, लेकिन आस्ता आस्ता आई एम कन्वर्टेड टू खान ये ठीक है, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, मुझे अंडरस्टैंड है चीज़ों का, मुझे वर्ड्स का पता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी नाउ, बट आपकी बुक में ये यूज हुआ स्टैंडर्ड जो वर्ड है खान ये ठीक है, यू कैन यूज बोथ ऑफ देम, लाइक कुछ चाइनीज आपसे चोंग वन के बारे में पूछेंगे, कुछ खान के बारे में पूछेंगे, तो यू शुड नो बोथ दीज वर्ड ओके, खान ये चोंग वन ओके, बोथ मींस चाइनीज लैंग्वेज, मैंडरिन जो पार्ट है। नेक्स्ट है ना, ना कहते हैं, देखो थर्ड टोन वाला ना, इट मींस विच,
ठीक है, एक होता है ना डैट, मतलब फॉलिंग टू मदर, ना डैट इज डैट, ठीक है वो डैट के लिए होता है ना। इसलिए देखो टोन इसलिए पूरा कि मैं कहता हूँ बोलेंगे, टोन गलत लगाने से या बोलने से आप मतलब गलत समझा देते हो, समझ जाते हो, ठीक है। सो ना मीन्स विच, ना मीन्स डैट, ओके रिमेम्बर अप्लाई करेक्ट टोन्स ओके ऑन द वर्ड्स, ना मीन्स विच ओके। नेक्स्ट है क्वा, क्वा कहते हैं कंट्री को, मैंने पहले बताया भी चोंग क्वा में, क्वा रिमेम्बर क्वा मीन्स कंट्री। और नेक्स्ट है ना, ना जो है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपने कहा नी, ना मीन्स व्हाट अबाउट यू, था ना व्हाट अबाउट हर, व्हाट अबाउट हिम, ठीक है तो ना आता है सेम क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए, ठीक है। और भी इसके बहुत से यूज है, फिलहाल आप यही वाला यूज देन में रखें, ठीक है। नेक्स्ट है था, अब ये जो था आया ना दैट इज फॉर ही, ये अब ही वाला था आया, ठीक है। इसमें जो रेडिकल यूज हुआ है दैट इज रेडिकल ऑफ पर्सन, इस रेडिकल को पर्सन बोलते हैं जी, था, ठीक है। पर्सन मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है राइट, लेकिन जब था अकेला आया तो दैट इज फॉर मेल ओके, क्योंकि फीमेल वाले था में ये वाला करेक्टर है, ठीक है। लेकिन जब था मतलब थामन, जब हम थामन बोलते हैं ना थामन ज्यादा सारे, तब तब वो दे का मतलब बनाते हैं, दे दे में हम लड़के भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो लड़के लड़कियां दोनों ही हैं, तो हम यही वाला थामन लिखेंगे, यही वाला जो आपने ऊपर देखा है, ठीक है ये वाला। लेकिन अगर तो सारी की सारी गर्ल्स हैं, ठीक है सारी की सारी एक भी बॉय नहीं है, तो हम ये वाला थामन लिखेंगे, लड़कियों वाला थामन, ठीक है। अगर लड़के लड़की दोनों हैं तो वो नीचे वाला, ठीक है आप समझ रहे मेरी बात। अगर तो सिर्फ लड़के हैं तब भी ये वाला, लड़के लड़की दोनों हैं तब भी ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ लड़की हैं तो ये वाला थामन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सिर्फ लड़की है तो था, ये वाला था किसके लिए, ही के लिए, रिमेम्बर गॉट इट ओके। दिस इज थोंग शुए, थोंग शुए कहते हैं क्लासमेट को, मीन्स आप लोग इकट्ठे पढ़ने वाले लोग हो ना, थोंग कहते हैं इकट्ठे, शुए मीन्स पढ़ने वाले लर्निंग वाले, थोंग शुए मीन्स क्लासमेट, ठीक है। थोंग शुए मीन्स क्लासमेट, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका ये वाला फांगियो, अच्छा फांगियो जो है ना डैट इज फॉर फ्रेंड्स ओके, फांगियो कहते हैं फ्रेंड्स को, फ्रेंड को, ठीक है। अब देखो सारे के सारे क्लासमेट आपके दोस्त तो नहीं ना हो सकते, देर आर फ्यू फ्रेंड्स ओके, लाइक क्लासमेट्स तो सब होते हैं, सही है, आपकी पूरी क्लास आपकी क्लासमेट है, लेकिन सबके सब दोस्त नहीं है, सही है। सो फ्रेंड्स आर स्पेशल पर्सन, जिनको आप अपने जैसा समझिए, अपने मतलब अपने शेयर करते हो दुख सुख में उनके साथ होती हो, सही है। तो फ्रेंड्स इज स्पेशल है ओके, थोंग शे क्लासमेट्स हैं, फांगियो मीन्स फ्रेंड्स ओके। सो था शी हर के लिए, नेक्स्ट है द पोजेशन पार्टिकल है ओके। उसके बाद आ जाता है श्वे या शे मीन्स टू, नेक्स्ट है फाइन ये चाइनीज लैंग्वेज, चोंग वन चाइनीज लैंग्वेज, ना मीन्स वेज, ना डैड वो कंट्री को कहते हैं, ना ये जब आपने रिपीट करना हो क्वेश्चन तो आप ये लगा लेते हो लाइक सब्जेक्ट के बाद, था ना मीन्स व्हाट अबाउट हिम, व्हाट अबाउट हर, मी ना व्हाट अबाउट यू, ठीक है वो ना व्हाट अबाउट मी, लाउशर ना व्हाट अबाउट टीचर, ठीक है। था ये वाला ही के लिए, और थामन मैंने बता दिया लड़के हों खाली तो भी ये वाला करेक्टर, अगर लड़के लड़कियां दोनों हो तब भी ये वाला करेक्टर, और अगर खाली लड़कियां सिर्फ लड़की हैं सारी तो ये वाला थामन, ठीक है। तो था ये फॉर ये हर के लिए था, शी के लिए था, ये ही हिम हिज के लिए, सही है था ओके। थोंग शुए, थोंग शुए मीन्स इकट्ठे पढ़ने वाले क्लास में, ठीक है थोंग शुए। नेक्स्ट है फांगियो, फ्रेंड्स को बोलते हैं फांगियो ओके ओके। मेरी पास में ये सारी आपको कुछ पिक्चर है, आपको मैच करना है, लोग कौन सा था ये बताएं, ये वाला ही वाला, या वेरी गुड ओके। तो ये था ही वाला, अब ही कहाँ पे है, देखो ये तो दे है, ठीक है ये शी है, शी है ये मतलब कॉमन है, दे है, देम है, ये भी देम है, तो ही इज ओनली हियर, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज था, ये फीमेल वाला था है, अब मैं और भी देखूंगा इधर, और देखो फीमेल वाले था में, या डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, सही है दोनों ऑप्शन, सही है बी भी आएगा, ए भी आएगा, दोनों डी है, दोनों ही दोनों फीमेल है, राइट और सिंगल है, राइट शी, हाँ दोनों ठीक है। तो नेक्स्ट है थोंग शुए, थोंग शुए कहते हैं क्लासमेट्स को, तो ये क्लासमेट्स लग रहे हैं आपको, मुझे तो ये दोस्त लग रहे हैं, सही है। ये क्लासमेट्स वाली पिक्चर या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, क्लासमेट ये देखो ये गुड 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 कर रहे हैं, तो
क्लासमेट्स, ये मोर प्रिसाइजली क्लासमेट्स लग रहे हैं, वजह ये है कि देखो बुक्स टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है, दीज आर क्लासमेट। थोंग शो है सी। ओके नेक्स्ट फंगियो, फंगियो कहते हैं जी फ्रेंड्स को, होता है जी ए एफ, दोनों फ्रेंड्स हैं, देखो गुड 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 पिक्चर्स, ऑब्वियसली यू आर हैप्पी, ए और एफ बोथ आर फॉर फंग, फॉर फंगियो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है खाएं, ये लॉक्शर, अब ये टीचर है, टीचर देखो व्हाइट बोर्ड के पास होनी चाहिए, ये टीचर है। और नेक्स्ट लिखा है खाएं लॉक्शर मीन्स चाइनीज टीचर, शी इज राइटिंग चाइनीज करेक्टर राइट, शी इज अ चाइनीज टीचर, खाएं लॉक्शर चाइनीज टीचर। दोस्तों को चाइनीज के साथ, मतलब देखो अगर आपने सिर्फ फांगियो लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स दोनों ठीक है, लेकिन जब आप कह रहे हो चोंग गुआ फांगियो मीन चाइनीज फ्रेंड्स, ये लोग आपको चाइनीज लग रहे हैं, सही है, दिस इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ओनली ऑप्शन राइट, बिकॉज इफ यू आर स्पेसिफाइंग, फिर मैं यहाँ पे लिख देता अमेरिकन फ्रेंड्स तो फिर सिर्फ ये एफ ऑप्शन होता, because they looks like foreigners, they don't like looks like Chinese, these are Chinese, okay, chong guo fang yu, Chinese, okay, classroom mein ji, look, they are all looking at some pictures, okay, so wo ishaara kar rahi hai ki yaar ye matlab ye kaun hai, tha shi shui, who is she, why I'm saying she, because tha jo hai she wala tha hai, dekh rahe ho aap, wo radical dekh rahe ho, radical wo female wala radical maujood hai, sahi hai, तो वो कह रही है हु इज शी, हु इज, मतलब इशारा कर रही है और वो उससे पूछ रही है ये कौन है, हु इज शी, ठीक है, तो वो बता रही है कि हाशर शी इज, हा मीन शी, शर इट मीन्स इज, वादा मीन्स माय, फाइन लॉ शर चाइनीज टीचर, वादा मीन्स माइन मेरी, ठीक है, मैं होता है वो के लिए, मेरी मेरा, वादा ठीक है, is mine, Khan Yue Chinese law sure teacher, again Ta Shi Wo Da Khan law sure, she is my Chinese teacher, Ta Jiao Li Yue, her name is Li Yue, Li Yue unka naam hai aur wo meri Chinese ustad hai, theek hai, so dekho agar usne nahi pucha naam to aap naam hi bataye, it's okay, aapko ye zarur batana hai wo aapka kya kaun lagti hai, ye zarur batana hai, ठीक है, अगर वो आप बता रहे हो नाम तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं बता रहे तो वो क्या बताओ, खुद पूछते हैं था जाओ शमा, था जाओ शमा मीन्स व्हाट्स हर नेम, तो आप बता दो था जाओ लीवे, लेकिन ये अच्छी हैबिट है कि आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, चाइनीज ना ऐसे ही हैं, चाइनीज से आप दोस्ती करना चाहें आप उनके हर चीज़ बताते हैं, दे शेयर एवरी थिंग विद यू, दे टेक यू एज अ फ्रेंड एंड दे शेयर एवरी थिंग विद यू, इट्स वेरी कॉमन इन चाइना। अच्छा पहले चाइनीज से कोई पूछता था तुम्हारा क्या हाल है, वो सारी दास्तान सुना देते थे, ठीक है, लाइक मतलब ऐसा चल रहा है लाइफ में, हर चीज़ बता रहे हैं, मैं वो सिर्फ ये नहीं कहते हैं आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, सिर्फ ये नहीं स्टेटमेंट नहीं, दे यूज टू नरेट एवरीथिंग अबाउट देमसेल्फ इन लाइफ, बट लेटर ऑन दे रियलाइज दैट इट्स नॉट नेसेसरी टू शेयर एवरीथिंग विद एवरीवन, दैट्स व्हाई दे स्टॉप डूइंग दैट नाउ, नाउ दे सिंपली से वो खान हाउ आई एम फाइन। एनीवेज कमिंग बैक टू हियर, हाशर श्रेय, हाशर वदा खान लाशर, हर नेम इज दिव्य, दिव्य उनका नाम है और शी इज माई चाइनीज टीचर, ओके दिस इज शी, ठीक है। अब लाइब्रेरी में क्या होता था चाइना में भी, कि आप जो चाइना में लाइब्रेरी मसाल के, तो मैं अपने स्टार्टिंग टाइम इस तरह याद करूँ तो आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी टू रीड टू स्टडी चाइनीज, ओके समझ आती, तो ऑब्वियसली आपने आए माए सब चाइनीज होते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं राइट, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस वर्ड, like how to pronounce it, yeah, how to use it in sentences or something, like you can engage someone into talk. So this scenario, like they are studying, obviously this boy is American, she is Chinese. Now, he couldn't understand something, he has asked her something and he had helped her, she had helped him. Okay, now she is starting a conversation like, which country are you from? Obviously she is not Chinese, that's why he is studying Chinese, right? So Which country are you from? कैसे पूछोगे आप किस कंट्री से हो आप? तो आप पूछोगे निश्चर, यू आर, ना मीन्स विच, कुआ मीन्स कंट्री, रन कौन सी कंट्री के बंदे हो, निश्चर ना को रन उदाहरण वोशर मैं को रन आई एम अमेरिकन, नीना व्हाट अबाउट यू, वो कह रही है वोशर चोंग को रन आई एम चाइनीज, ठीक है, सो ये तरीका है, निश्चर ना को रन विच कंट्री आर यू फ्रॉम, वो कह रहा है वोशर मैं को रन नीना वोशर चोंग को रन आई एम चाइनीज, मैंने आपको पहले बताया था कि आप डायरेक्ट पूछो आर यू चाइनीज, निश्चर चोंग को रन मा, सेकंड ये वाला तरीका है कि आप उससे क्वेश्चन पूछ लो विच कंट्री आर यू फ्रॉम, निश्चर ना
वो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं विच कंट्री आ रही है, तो बताएगा या बताएगी क्वेश्चन, वो कंट्री का नाम बताएगा तो बताएगी। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलते हैं वोशे पांच स्थान, वो गलत हो जाएगा, आपको रन जरूर बताना है वोशे पांच स्थान रन, ठीक है। नेक्स्ट नीना, अब नीना डिपेंड करता है आप पूछो ना पूछो, आप बात करना चाह रहे हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है तो आप उसे कंटिन्यू करना चाह रहे हो, आप प्रैक्टिस ही करना चाह रहे हो चाहे किसी, तो नीना आप बोल सकते हो, सही है। तो आप बोल रहे हैं वोशे चोंग वो रन, तो जो पूछने वाला है अगर वो चाइनीज है बोलेगा वोशे चोंग वो रन इन चाइनीज। क्लियर। मूविंग ऑन टू दिस फोटो, नाउ यू कैन सी क्लियरली सी दैट देयर आर थ्री students, why I'm saying students, because they are having their handbags, you can see a shoulder bag, they are having shoulder bag and they are having books and notes in their hands, so these are all are students, okay, kya hai ye log shweshang, shweshang hai, okay, now, is ladki se pucha ja raha hai ki ye ladka kaun hai, thasher shai, who is he, so the girl is replying, thasher wo a, thong shwe, he is my क्लासमेट। नाउ इस लड़की के बारे में पूछा जा रहा है था ना, व्हाट अबाउट हर, इधर हर क्यों यूज हुआ है, इस करेक्टर की वजह से, इधर ही क्यों यूज हुआ था, इस करेक्टर की वजह से, ओके व्हाट अबाउट हर, कह रहे व्हाट अबाउट हर, इज शी आल्सो योर क्लासमेट, था शी नी थोंग श्वे मा, पूछा क्या वो भी तुम्हारी क्लासमेट है, इज ही इज शी आल्सो शी इज योर क्लासमेट, था शी नी थोंग श्वे मा, तो निगेशन कर रही है, कह रही है था पुशर वो थोंग श्वे, शी इज नॉट माई क्लासमेट, था शी वो थोंग यो, शी इज माई फ्रेंड, ओके फ्रेंड बोल रही है उसको, उसको क्लासमेट नहीं बोल रही, सो डू डू राइट इट वट एवर द पर्सन बिलोंग्स टू यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर है, कजन है, फादर है, या आपके टीचर हैं, ठीक है, हूएवर द पर्सन इज, जिसके बारे में इशारा हो रहा है, था ना पॉइंटिंग आउट किया जा रहा है, तो उसके बारे में जो आपका उससे रिलेशन, जो हमने वर्ड्स पढ़े हुए हैं वो तो आप अप्लाई कर सकते हो ना, बड़ा भाई छोटी बहन में थी, ठीक है, जो आपको वर्ड आते हैं, जो हमने सीखे हुए, और अगर उनमें से है तो आप वो आंसर में यूज कर सकते हैं, था पुशर वो थोंग शे, शी इज नॉट माय क्लासमेट, था शे वो थोंग यो, शी इज माय फ्रेंड, दिस इज व्हाट शी इज रिप्लाइंग ऑन आस्किंग अबाउट द गर्ल नेक्स्ट टू द बॉय, ओके। एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से आपको जब क्वेश्चन करने होंगे आपसे, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, निशन ना होगा, आपको बताना होगा वो शा पांच ऐसे ध्यान रहे, सेकेंडली नीचा उषा ममीज अपना नाम बताएंगे, नीदा खाई लाशा शी नाकोरन, तुम्हारे चाइनीज टीचर कहाँ से बताएंगे, नीदा खाई लाशा जो उषा ममीज, तुम्हारे चाइनीज टीचर का क्या नाम है, यू हैव टू टेल दैट, ठीक है, लेकिन नी की जगह क्या आएगा, वोदा, आप वो से आंसर करेंगे, नीदा चोंगवा भंग यो शी श्वाय, हु इज योर चाइनीज फ्रेंड, अगर है तो उसका नाम बताएं, वोदा चोंगवा भंग यो शी ली युए, या व्हाट एवर द नेम, अगर नहीं है तो बोलो वो मैं यो चोंगवा भंग यो, आई डोंट हैव अ चाइनीज फ्रेंड, द ग्रामर, ओके, सो पहले हमने कौन से वर्ड्स किए थे, पहले हमने पढ़ा था शे के बारे में, नो पहले हमने पढ़ा था माँ के बारे में, कि जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अपने क्वेश्चन देना हो तो माँ लगा देते हो एंड पे, तो वो क्वेश्चन बन जाता है, यस और नो वाला क्वेश्चन, ठीक है, निशन ऑप्शन माँ, आर यू अ टीचर, तो ये क्वेश्चन है, या तो आप हो या तो नहीं हो, राइट, यस और नो वाला क्वेश्चन है, तो अगर नो करोगे तो आप करेक्ट भी बताओगे, अगर यस करोगे तो दैट्स इट, स्टेटमेंट खत्म, ठीक है। तो पहले हमने माँ वाला एक पार्टिकल पढ़ा था, क्वेश्चन पार्टिकल, सेकंडली हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, कौन से वाला, शम्मा मींस जिसको कहते हैं व्हाट, अभी हमने कौन सा पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है ये वाला शे, कहते हैं हु को, ठीक है, वैसे श्वे भी इसका होता है, लेकिन शे आप मतलब बुक में आपके शे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ना मींस व्हिच, ठीक है, शे पे राइजिंग टोन होती है, शे, ठीक है, अ भी होती है, ई पे नहीं लिखी था, नहीं, अ पे ही रहने दो, ना, ओके, इस पे थर्ड टोन होती है, ठीक है, ओके, सो दिस इज, दीज आर टू न्यू क्वेश्चन इंटरोगेटिव प्रोनाउन दैट वी हैव लर्न टुडे, शे का मतलब हु है, ना का मतलब विच है, इनको कैसे यूज करना है, लेट मी टेल यू दैट, शे को कैसे यूज करना है, शे को आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हो, सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं, मतलब शे को अगर मैं स्टार्ट में लगाता हूँ तो फिर क्या आएगा, वर्ब, ओके, एंड देन यू पुट ऑब्जेक्ट एट एंड, ओके, ये क्वेश्चन बन गया, और अगर आप इसको एंड में लगाते हो तो क्या आएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और प्लस वर्ब, ठीक है, वर्ब अब देखो इज एम आर के है, इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, राइट, तो हेल्पिंग वर्ब भी बेसिकली वर्ब ही होती हैं, फिर यहाँ पे शे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये कहने का कि आप शे को शुरू में भी लगा सकते हो, एंड में भी लगा सकते हो, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में हु आर यू होता है, ठीक है, हु इज अवेस होता है, अवेस इज हु नहीं होता, हु आर यू होता है, यू आर हु नहीं होता, दैट्स रॉन्ग, इंग्लिश में ग्रामर स्ट्रक्चर
थोड़ा कंक्रीट है, मीन्स आपको याद लाइक एक ऑर्डर याद रखना पड़ता है. चाइनीज ग्रामर इज वेरी इजी, चाइनीज इनफैक्ट इज वेरी इजी. तो कैसे, देखो शे को पहले लगाओ बाद में लगाओ, इन बोथ केसेस इट इज करेक्ट, करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल मैं आप में से किसी का नाम, लेट मी राइट अ नेम, ठीक है, लेट्स से रिज्म की बात करते हैं, रिज्म. ओके सो आई एम सेइंग शे शुड रिज्म, हु इज रिज्म, इसकी इंग्लिश क्या हुई, हु इज रिज्म. और अगर मैं यही सेंटेंस शे को एंड पे लेता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, रिज्म शुड शे, ठीक है, कौन है रिज्म, ठीक है, देखो रिज्म शुड शे, रिज्म कौन है, ये क्या है, शे शुड रिज्म, कौन है रिज्म. देखो दोनों सेंटेंस, देखो उर्दू में भी ठीक होते हैं, इसमें भी ठीक है, कौन है अवैस, अवैस कौन है, दोनों सेंटेंसेस ठीक है, राइट. इसी तरह चाइनीज में भी ऐसे ही है, शे शुड रिज्म, रिज्म शुड शे, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ हु इज रिज्म करेक्ट है, ठीक है. तो इट मीन्स अगर मैं इस ऑर्डर से लिखूं तो ये सेंटेंस बनता है, इस वाले ऑर्डर से लिखूं तो ये सेंटेंस बनता है. इन बोथ केसेस दीज आर करेक्ट सेंटेंसेस. ओके सो चाइनीज ग्रामर इज वेरी सिंपल. तो शे को हु की हु का मतलब है, ये लिखा हुआ शे शे ली हुए, हु इज ली हुए, ये है था शे शे, हु इज शी, ये शी क्यों बोला मैंने, था का ये वाला करेक्टर है, इस वजह से शी बोला, ये क्या है था शे शे, यहाँ ही है तो हु इज ही वाला हो गया बात, ठीक है. तो शे पहले लगे बाद में लगे, इन बहुत कैसे डिटेल था करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर. ओके क्लियर, नाउ मूविंग ऑन. अच्छा ना, ना के लिए क्या ग्रामर स्ट्रक्चर होगा, ना के लिए जी ये वाला स्ट्रक्चर होगा, आप पहले ना लगाते हो, ना फिर आप लगा देते हो या तो मैयर वर्ड, ठीक है, या फिर आप नाउन लगाते हो, ठीक है. वैसे मोस्ट कॉमनली मैयर वर्ड ही लगाते हो, नाउन बहुत रेयर आते हैं, ठीक है, नाउन प्लस नाउन. ओके अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये वाली, मैं पहले इसके टूज अप्लाई कर दूँ ताकि यू शुड बी एबल टू नो कि मैं क्या है? ना ना. ओके ओके मैयर वर्ड एंड देन नाउन. ओके ना कहते हैं विच को, तो अब मैं इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स वेरी रेयर के वहां मैयर वर्ड आते हो. मैयर वर्ड इज समथिंग कि आप नाउन से पहले लगाते हो, विच के बाद लगाते हो, ठीक है. जिस तरह इंग्लिश में क्या है, विच पर्सन, ठीक है, दैट्स इट, इसमें कोई मैयर वर्ड नहीं होता. वैसे होते हैं सम केसेस में, मतलब विच बुक में नहीं होता, लेकिन शूज की अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूंगा विच पेयर ऑफ शूज, ठीक है, तो पेयर का मैं एक वर्ड अंदर ऐड करूंगा, दैट इज काइंड ऑफ अ मैयर वर्ड, ठीक है. लेकिन इट्स वेरी रेयर, इन चाइनीज में क्या होता है, ये हमेशा आते हैं मैयर वर्ड. मैयर वर्ड इज ऑलवेज पुट बिफोर नाउन व्हेनेवर वी आर डूइंग द क्वांटिटी, वी आर राइटिंग द क्वांटिटी नंबर्स, एंड और इफ वी आर आस्किंग क्वेश्चन लाइक विच के बाद नाउन लगा रहा हूँ, विच पर्सन, विच बुक, विच टेबल, विच क्लास, ठीक है, विच टीचर, हर केस में आप मैयर वर्ड लगाओगे, ठीक है. तो हर नाउन का डिफरेंट मैयर वर्ड होगा. अगर आप टेबल की बात करो, टेबल के लिए डिफरेंट मैयर वर्ड है, बुक्स के लिए डिफरेंट है, चेयर्स के लिए डिफरेंट है, बेड के लिए डिफरेंट है, रूम के लिए डिफरेंट है, सड़क के लिए डिफरेंट है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट मैयर वर्ड फॉर डिफरेंट नाउन्स. लेकिन जब तक आप ये सारे मैयर वर्ड्स नहीं सीख लेते, आप डिफरेंट मैयर वर्ड्स नहीं लर्न कर लेते, आप एक जनरल मैयर वर्ड, दैट इज ग, जनरल मैयर वर्ड आप इसको यूज करें, ठीक है, आप हर सिनेरियो में ग को यूज कर सकते हैं. वैसे ये पर्सन के लिए भी होता है ये मैयर वर्ड, ठीक है, पर्सन के लिए, या मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं, लेकिन फैमिली मेंबर्स भी बेसिकली पर्सन है ना, तो हम ग को यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो ग इज अ जनरल मैयर वर्ड जो कि पर्सन के लिए भी होता है. मतलब अगर मुझे विच पर्सन बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा इस तरह, ना ग रन विच पर्सन, ठीक है, ना ग, ना रन नहीं बोलूंगा, रन किसे कहते हैं, पर्सन को, रिमेम्बर मैंने रन पढ़ाया था, पांच था रन पीपल, लेकिन रन पर्सन के लिए था, तो मैं कह रहा हूँ आप जब विच पर्सन बोलोगे तो ना ग रन बोलोगे. इंग्लिश में ऐसा नहीं है, देयर इज नो नथिंग बिटवीन विच एंड नाउन, बट इन दिस चाइनीज देयर इज अ मैयर वर्ड इन बिटवीन नाउन एंड विच. ओके ना ग रन, ठीक है, विच पर्सन. इसी तरह बुक के लिए जो मैयर वर्ड होता है दैट इज शू. मैं आपको बल्कि यहाँ से बताता हूँ, लोग ये बुक क्या, बुक को कहते हैं शू, और इसके लिए मैयर वर्ड जो होता है दैट इज पान. पन ऐसा मैयर वर्ड है जो बुक के लिए होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, विच बुक क्या हो जाएगा, विच बुक, इंग्लिश में जो विच बुक है दैट इज इन चाइनीज ना पन शू, ठीक है, ऐसे आप बोलोगे. देयर विल बी अ मैयर वर्ड इन बिटवीन, ठीक है, मैयर वर्ड दरमियान में होगा, सही है, ना पन शू, ठीक है, ना पन शू इज अ, दिस इज हाउ यू से इन चाइनीज विच बुक, ना पन शू, ठीक है, विच बुक. तो
दिस हाउ यू डू दैट, विच बुक ना, पन शू, ठीक है, तो पन हमने पढ़ लिया, शू के लिए जो मैं वर्ड है दैट इज पन, ठीक है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके, शू के लिए जो मेजर वर्ड है दैट इज पान, अब ये हमने पढ़ लिया है, तो ये ऐसा नाउन है जिसके लिए अगर मेजर वर्ड आप लगाओगे तो पान ही लगाओगे, लेकिन इन 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 अदर केसेस जब तक हम बाकी मेजर वर्ड नहीं पढ़ सकते आप ग लगा सकते हो, मतलब ग आप शू के साथ ना लगाइएगा क्योंकि शू के लिए आपने मेजर वर्ड पढ़ लिया दिस इज पान, अब मेजर वर्ड फॉर बुक्स, ठीक है, तो आपने इसके साथ तो पान ही लगाना है, लेकिन बाकी जितने भी नाउन आते हैं टेबल चेयर पर्सन मंकी व्हाटएवर आप ग लगा सकते हो, सही है, जनरल मेजर वर्ड जिसे कहते हैं, वैसे वो पर्सन के लिए है लेकिन वो जनरल मेजर वर्ड भी हर केस में आ सकता है, सही है, लेकिन अगर हमने पढ़ लिया जिसका शू के लिए पढ़ लिया तो हम पान ही यूज करेंगे, विच बुक ना पान शू, ठीक है, विच पर्सन ना ग रन, ये लिखा हुआ है ना ग रन, ठीक है, जनरल मेजर वर्ड है ग, ये लिखा ना ग रन, ये बेसिकली यही चीज लिखा, सेकंड सेंटेंस है ही है ना ग रन, सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, नेक्स्ट नी शि, अच्छा ये वो केस है नाउन नाउन वाला, मैंने कहा था ना ये देखो ऊपर लिखा है कि मेजर वर्ड नाउन आता है या फिर ना के बाद आता है नाउन और फिर नाउन आता है, तो ये नाउन नाउन वाला केस है, ये वाहिद केस है, और इसके अलावा बाकी मेजर वर्ड ही होते हैं, नी शि, यू आर, ना मींस विच, वो कहते हैं कंट्री को, विच इज अ नाउन, रन भी कंट्री है, रन भी नाउन है, सॉरी नॉट कंट्री, भी पर्सन है लेकिन इट्स अ नाउन, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, नीश, यू आर, ना, वो, रन, ठीक है, अब ये क्या हो, ये कौन सा केस हो गया, ये वो वाला केस हो गया, ये वाला जो मैंने लिखा था कि आप ना के बाद नाउन और नाउन भी लगा सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट नाउन एंड देन अगेन नाउन, एक पहला केस था ना के बाद मेजर वर्ड देन नाउन, जो कि इसमें हुआ था ना पन शू या फिर ना ग रन, लेकिन ये वो केस है जिसमें नाउन नाउन आया हुआ है, निश यू आर ना विच वो कंट्री रन, निश ना को रन विच कंट्री आर यू फ्रॉम, ठीक है, तो यू आंसर इट लाइक निश ना को रन विच कंट्री आर यू फ्रॉम, ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे जिस कंट्री से हैं वो बताएंगे आप, ठीक है, कि वो शर पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी, ठीक है, दिस इज हाउ यू आंसर दैट, ओके क्लियर, ये ना को हमेशा मेजर वर्ड के साथ यूज करना है या नाउन के साथ, और शय को आपने जिस तरह करना है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूँ, शय जो है वर्ब से पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, सही है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इन दैट सिनेरियो आप उसे इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये दो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने नए सीखे हैं, आगे मूविंग ऑन टू दिस, ओके नेक्स्ट है द का इस्तेमाल, द इज अ पोजेशन पार्टिकल, इसे पोजेशन पार्टिकल बोलते हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब आपने पोजेशन शो करनी हो किसी चीज की, मेरी है मेरा है, तो आप द का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो द मींस माइन, नी द योर्स, ओके, था द अगर था ही है तो हिज, था द अगर वो शी है तो हर्स, ओके, तो था द पापा, था द तीती, हर हर यंगर ब्रदर, या था द शौची, हर मोबाइल, ठीक है, या फिर मैं वोदा शू मीन्स माई बॉक, ओके, मेरी किताब, वोदा तेन नाउ माई कंप्यूटर, ठीक है, सो द थिंग इज इफ इट्स योर्स देन यू कैन शो द पोजेशन दैट इट बिलोंग्स टू यू विद द हेल्प ऑफ द, ओके, द की मदद से, द से पहले भी नाउन होता है ना द के बाद भी नाउन होता है, ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, मैं लिख लेता हूँ जो उन्होंने लिखा हुआ है चाइनीज में, फर्स्ट इज ली यूए वोदा लाओ शि, ली यूए मेरे टीचर हैं, या आपके केस में क्या होगा, आपके केस में आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे अवैस शि वोदा लाओ शि, अवैस शि वोदा लाओ शि, अवैस इज माई टीचर, अगर आपने इसे चाइनीज टीचर कहना हो तो आप यहाँ लिखोगे खान यू लाओ शि, अवैस शि वोदा खान यू लाओ शि, अवैस इज माई चाइनीज टीचर, ओके, दिस हाउ यू कैन से दैट, ओके, नेक्स्ट इज दिस वन, इसमें उसने लिखा है बुक को अभी पहले भी पढ़ा हमने चि वोदा शू दिस इज माई बुक, ओके, दिस इज हाउ यू फिनिश द सेंटेंस, ठीक है, आपने पोजेशन शो करनी है बुक की, दिस बिलोंग टू मी, ये बुक मेरी है, ठीक है, एक है ना मैं आई मी वाला वो, एक है मेरा मेरी, तो वो कौन सा है, वो है वोदा, ठीक है, माई या नीदा योर्स, ओके, एक है यू नी, एक है नीदा मीन्स योर्स, ओके, द लगाने से पोजेशन शो हो जाता है, तो द को आप यूज कर सकते हैं, इट्स अ लाइक इट्स अ पार्टिकल, पोजेशन पार्टिकल,
अच्छा लास्ट वन क्या है, ये आपकी बुक में टेक्स्ट का एग्जांपल उन्होंने दिया है, दिस इज था शुवा थॉम शुए शी इज माय क्लासमेट, नो था पुशर वो थॉम शुए पु लिखा हुआ है, था पुशर वो थॉम शुए शी इज नॉट माय क्लासमेट, था शुवा शी इज माय पांगलो शी इज माय फ्रेंड. ओके दिस इज हाउ यू यू This is an example from the book. Book में जो हमने पढ़ा था ना text, तीन वो जो तीन students इकट्ठे बैठे हुए थे, ठीक है, ये वो वाला text है. Okay, था पुशे वो थोम शे ताशे वो फांगियो, she is not my classmate, she is my friend. She मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि radical जो है female वाला है इसमें, that is why it's a she. Okay, no मैंने आपको बताया था no is an interrogative particle, ये basically ये भी इसको आप कैसे यूज करते हो, जब आपने क्वेश्चन रिपीट करना हो विदाउट रिपीटिंग द क्वेश्चन यू सिंपली से न, मतलब फॉर एग्जांपल ए ने अपना आंसर दे दिया, वैस ने आंसर, मतलब मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं मतलब जरूरी नहीं मैं क्वेश्चन पूछ के बताऊँ, ठीक है, मैं आंसर डिक्लेरेटिव सेंटेंस से भी तो बता सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वॉशर राउशर, मैं एक बंदे के सामने हूँ, मैं उसे बात करने के लिए स्टार्ट किया, वॉशर राउशर नीना ये आई मैं टीचर हूँ तुम, व्हाट अबाउट यू, तो अगला बंदा अगर टीचर तो बोलेगा वो आई वो ये शर आई एम आल्सो अ टीचर, वो ये शर लाओ शर, ये का वर्ड जो है डेट इज फॉर आल्सो, ये का वर्ड हम आल्सो के लिए यूज करते हैं, ठीक है. अगर तो वो भी टीचर हुआ तो बोलेगा वो ये शर लाओ शर आई एम आल्सो अ टीचर, ठीक है. अगर तो वो टीचर ना हुआ तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा वॉशर श्वेशा आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है. मैं बोल रहा हूँ ना, मैं स्टेटमेंट दे, मैंने उसे पूछा नहीं आर यू अ टीचर आर यू अ स्टूडेंट, मैंने उसे डायरेक्ट बोला कि मैं टीचर हूँ, वर्षा लाउशन नी ना व्हाट अबाउट यू, तो अगर तो वो स्टूडेंट हो गया वर्षा शेषाम, तो जो मैंने बात की है वही उसने बेसिकली करनी है ना, वो क्या है, ठीक है. अब मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने स्टेटमेंट देते ही नीना कह दिया व्हाट अबाउट यू, तो उसने कहा वर्षा शेषाम आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है. जिस तरह हम करते नहीं I am a Vaas, what about you? तो आप कह सकते हैं I am Majid. This is how you, this is the same criteria in Chinese. This is the same way we say in Chinese. Okay? So we can, we don't have to always ask question. देखो communication skills में कितनी चीजें आती है, right? आपको questions नहीं, आपको statements से भी बातें कर सकते हो, ठीक है? आप अपने बारे में बता के start कर सकते हो. ये ना ये है, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ. What about you? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो अपने बारे में बताएंगे, ठीक है. जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, we'll explain about themselves, right? This is how conversation can be. Sometimes क्या होता है, क्वेश्चन पूछने से नीना what about you? आप उसका आंसर देने के बाद नीना बोलते हो, मतलब उसने आंसर दे दिया फिर नीना, जो कि हमने पहले पढ़ा था. अभी क्या, अभी मैंने स्टेटमेंट दिया और नीना कह दिया व्हाट अबाउट यू, तो वो भी अपनी स्टेटमेंट देगा. अगर वो भी टीचर तो बोले मैं भी टीचर आई एम आल्सो टीचर, तो ये आल्सो के लिए ये है वर्ड है, वो ये शर लाओ शर. अगर वो नहीं है तो वो स्टूडेंट है तो ये वो शर शेषा आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है. अब ये देखो उसने क्या लिखा, वो पुशर लाओ शर आई एम नॉट अ टीचर, वो शर शेषा आई एम अ स्टूडेंट नीना, मतलब उसने क्या कहा वो मींस मैं, पुशर लाओ शर आई एम नॉट अ टीचर, मतलब अब ये वशर शेषा आई एम अ स्टूडेंट, तो फुल स्टॉप नीना व्हाट अबाउट यू, ठीक है, ये उसने पूछा. तो अब आप इसका आंसर करते हैं अपने बारे में बता के, मैथ था जाओ ली युए, मतलब उसका नाम ली युए है, हर नेम इज ली युए, मैं लिख रहा हूँ हर नेम इज, मतलब ये छी वाला हर है, हर नेम था है, हर नेम, सॉरी मैं इसको चाइनीज में लिखता हूँ, था जाओ ली युए, हर नेम इज ली युए, था ना व्हाट अबाउट हिम, अब ये ही वाला है के था ना का मतलब क्या हो गया, था मैं चाइनीज ही लिखता हूँ सॉरी, था ना व्हाट अबाउट हिम, ठीक है, उसने आप उसके बारे में तो बता दिया, था चाओ ली हुए, हर नेम इज ली हुए, था ना इशारा करके कह रहे हैं या कह रही है व्हाट अबाउट हिम, ठीक है. सो था शेर सॉरी वॉशर, ये वो बुक वाली एग्जाम्पल है जो वो स्टूडेंट आंसर करता है, वॉशर में एक बार रन आई एम अमेरिकन नी ना व्हाट अबाउट यू, वॉशर मेघवरन नीना व्हाट अबाउट यू, ठीक है.